नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, और हम है आपके सुशांत निशान। तो भाई देखो, आज हम लोग सुनने वाले हैं डिनू जेम्स का गर्लफ्रेंड, क्योंकि बहुत लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि आप यही डाल रहे हो, पंजाबी कर रहे हो, इसके कर रहे हो, उसके कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है, सबकी रिक्वेस्ट पूरी हो रही है भाई। और कमेंट सेक्शन में एक्चुअली लूजर बोला था, लूजर था बट हम पहले हमने सोचा कि गर्लफ्रेंड पे देते हैं, है ना, क्योंकि बैक टू ऐसे धीरे धीरे सब गाने देंगे, हमको भी सुनने की इच्छा होती है सब आर्टिस्ट की, तो ऐसे बैक टू बैक और अच्छे अच्छे गाने आएंगे। और डिनू जेम्स के जितने भी पब्लिक है, अगर जो अभी देखेंगे नए पब्लिक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको मजा आया तो इंस्टाग्राम को फॉलो करना और स्टोरी पे आपके जरूर मेंशन करना, और डिनू भाई को भी मेंशन करना। और एक बात, डिनू जेम्स के ट्रैक थोड़े गाली गलौज बहुत ज्यादा होता है, तो आप हेडफोन जरूर पहनना, बाद में बोल रहे हो भाई, ठीक है ना, कि भाई फिर फैमिली के साथ देख लिए, क्योंकि डिनू जेम्स एक बहुत इंस्पिरेशन देता, बहुत कुछ इंस्पिरेशन देता है, बट उसका वे बहुत अलग है, तो गाली वाली एकदम मुंह पे रहता है, तो हेडफोन पहन के सुनना है, ठीक है, तो चलो भी सुन लेते हैं। चलो डिनू जेम्स गर्लफ्रेंड वेड़े भाई लगा दो, मचाते भाई। ओके, नमस्कार नमस्कार, ये एक सोशल सर्विस अनाउंसमेंट है जो जनहित में जारी है। ओके, सरकार आपको कुछ बातें बताना बहुत जरूरी समझती है, और मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। नाइस यार, नाइस। देखो बेसिकली आजकल की गर्लफ्रेंड नमक तबाही की कहानी है, इसमें कैसे प्यार से लौड़े लगते हैं, बस अच्छा। इसी बात हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, हम जस्ट ट्राइंग मल्ला वैसे भी कान की बेबी है, लौंडे प्यार में क्या क्या चूतिया पे नहीं करते, तुम इसके बारे में सोचोगे, और इनमें से तुमने कितने किए ये सोच के खुद को कोसोगे, कहते शिकार का दरिया लेकिन लौड़ू तो तैरना कहाँ आता है, जहाँ दी जाता गांडू वहाँ पर तू काहे को बुलाता है। आजकल के रिलेशंस कितने झाटू और दो पौड़ी के, हमारे अंदर के सारे घाव उस पाँव की लौड़ी के, उड़ता हुआ तीर हमको अपनी गांड में लेने का बहुत शौक है, क्योंकि पहले दिन से हमको पता रहता है बाबा की पिक्चर अपनी फ्लॉप है, तुम्हारे जैसे चूती आशिक घुमा चुकी हजार, ये सारी मतलब की मशीन है, इनको किसी से नहीं हो सकता प्यार, कितनी भी मरा लो इनको हमेशा कम पड़ जाता है, हर दो मिनट के बाद तो इनको अपना एक्स बॉयफ्रेंड याद आता है। कड़क, ये रियलिटी बोल रहा है भाई, भाई बोलने की जरूरत नहीं, वो वही बोल रहा है जो स्टार्ट से लेके अब तक जो सुना है सही चल रहा है, ठीक है ना, आगे देखते हैं। लेकिन हालत ये कि जानकर भी हम कुछ नहीं कर पाते, सामने लिखा रहता है गांड फटने वाली है, लेकिन क्यों उसको पढ़ नहीं पाते, पता नहीं ये छोटा सा फंडा इनको क्यों नहीं समझ आता है कि इनका सो कॉल्ड जो बेस्ट फ्रेंड है इनके साथ में बस सोना चाहता है, और गांड जोली में हम ये सोचते हैं कि हम ही शायद पिछड़े हैं, इनकी सखी सहेली हमें ब्रॉड माइंडेड होने की राय देती है, खुद के रिश्तों के लौड़े लगे हैं हमारे भी लगा, हमारे इनसिक्योरिटी का बहुत बड़ा हाथ इनके कपड़ों को भी जाता है, जिसे क्लीवेज और एस क्रैक एकदम साफ नजर आता है, ब्लू वेस्ट पहनना भी बिचारियों की बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि इनकी गांड का तितली का टैटू लोगों को दिखना तो जरूरी है, प्यार को समझने की इनकी औकात नहीं, हम माँ बाप से मिला दे इनमें ऐसी कोई बात नहीं है, इश्क में हम इनको जबरन लैला बना देते हैं, असलियत में लैला की छांट नहीं है। मैं चलता था जिस रास्ते तुझे पाने के वास्ते, मेरी जाना मैंने क्या कुछ नहीं सहा, जान के अनजाना था हमेशा मैं बेगाना था, तुझे खोने के डर से कुछ ना कहा। Nice. हमारा नंबर हमेशा व्हाट्सएप फेसबुक के बाद ही आता है, ये हगने बाद में जाती है, पहले इनका अपडेट आ जाता है, सारा दिन और सारी रात की फोन की गांड में घुसी रहती है, और कुछ बोलो तो इनका बहुत बड़ा उदास हो जाता है, तुम्हारे एब्सेंस से पता नहीं लौंडिया क्या क्या करती है, इनका कोई मान धर्म कोई मॉरल वैल्यूज थोड़ी जिससे ये डरती है, कोई बड़ी बात नहीं है जो भाई बोलकर इनको एक साल से गिफ्ट दे रहा है, तुम्हारे जाने के बाद वो इनकी ले रहा है, एक दिन गिटार उठाकर बोलती है सी बीन गिफ्टेड बाय माय एक्स, एक बार तो मुझसे उसके नाम भी निकल गया, व्हेन वी वर हैविंग सेक्स कान पट्टी में 2 सेकंड में मेरा केले से किसमिस हो गया, मैं छोटू को ढूंढता रहा बेचारा झाड़ियों में कहीं खो गया, बाप के पास में स्कूटर नहीं झाड़ी में बीएमडब्ल्यू वाला होना, कड़कों के साथ में होता है इनका सारा रंडी रोना, पैसे वाले लौंडे के साथ में एकदम कान फटी में ये रहती है, फिर उनकी माँ बहन क्या उनके जूते चप्पल भी ये सहती है, बचपन
बचपन में जो पापा ने समझाया था अब समझ में आई वो बात कि पढ़ाई नहीं करेगा तो अच्छे लड़के कहाँ से मिलेगी। सही बात है, पढ़ाई इक्वल्स नौकरी इक्वल्स पैसा हो बात, मतलब पापा को भी पता था ये सालियां पैसों से आती है। क्वेश्चन इज कि पैसा होकर भी इनके जाल में क्यों फंस जाते हैं, कुत्ते बन के क्यों इनके सामने प्यार के लिए हाथ फैलाते हैं, क्योंकि हम चूती है एंड वी ऑलवेज नीड एन इमोशनल सपोर्ट और उसी बात का तो फायदा उठाती है मदरफकिंग होर्स। आई लॉस्ट काउंट हाउ मेनी पीपल दे स्लेप्ट विद, दे से इट्स सो प्राउडली कि ना जाने माँ बाप की कितनी सेवा की है, 15-20 मिनट का तो ये हमको पहचानती तक नहीं है, उसके बाद इनको याद आता है। इसने भी तो मेरी ली है। लेकिन इतने सारे लोगों को याद रखना ह्यूमनली पॉसिबल भी तो नहीं है, बड़ी बात है कि इनको एटलीस्ट याद है कि हम इनके साथ हैं, और हो सकता है क्योंकि ये इनके टेम्पररी हालात हैं, नहीं तो कितने सारे लोगों को तो ये कपड़े पहनते ही भूल गई है। कितना क्यूट फेस बनाकर मेरी लिरिक्स सुन रही है, जैसे इनको आइडिया ही नहीं है कि सब मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। एक्चुअली हंस इसीलिए रही है क्योंकि इनकी गांड फटी हुई है, क्योंकि एक एक करके मैं इनके सारे राज खोल रहा हूँ। चलता था जिस रास्ते तुझे पाने के वास्ते मिल जाना, मैंने क्या कुछ नहीं सहा, जान के अनजाना हमेशा मैं बेकाना, तुझे खोने के डर से ना कहा। दूसरे डूट के एग्जाम्पल लेकर हमेशा हमारी कान मिला अगर इनकी चूत जैसी शक्ल से हमें प्यार नहीं हुआ होता ना तो हम बताते कि ये सुनकर हमको कैसा लगता है। एक महीने में आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इनके सामने फेड हो जाता है, देन दे टॉक बिजनेस, घर पे क्या बोलूं तो कितना कमाता है, फिर धीरे धीरे इनके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं और एकदम से इनके लाइफ में कोई NRI आ जाता है। यो मावसा। लेकिन कभी मुंह खोलकर ये नहीं बोलेगी कि वो आपको छोड़ने वाली है, दे प्ले माइंड गेम्स एंड लेट यू डू दिस डर्टी जॉब, यू डिजर्व समवन बेटर, मैं बहुत बुरी हूं, खुश रहना तू। एंड में लगता आपने की ये बेचारे पे ना जाने कितने पाप, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पट से बदल जाती है, अगर बहुत उमड़ उमड़ के प्यार आ रहा है तो जरूर आपसे कुछ चाहती है, यू आर ओनली देयर टिल शी फाइंड समवन बेटर देन यू, उसके बाद हु आर यू और मैन चोट ओरे तू। हमको लगता है सिर्फ हमारे साथ हुआ, लेकिन भाई सबकी स्टोरी है, निकल भी नहीं सकते, उगल भी नहीं सकते, अजीब सी ये मजबूरी है, इसीलिए आप लोग मेरी लिरिक्स इतना ज्यादा कर रहे हो रिलेट, मैं भी फ्रस्ट्रेट होकर ही कर रहा हूं यार ये कहानी नरेट। हमारी गांड मारते मारते भले कभी नहीं थकती है, लेकिन लेंट उपवास और रोजे एकदम याद से रखती है, ना इवन गॉड नोज दैट यू गाइस आर सो फकिंग फेक, हंसते होंगे वो ऊपर तुम्हारी झूठी भक्ति देख, भगवान करे जो मैंने सहा उसका एटलीस्ट आधा तू भी भोगे, और तू भी जाने कैसा लगता है अपना सब कुछ खोके, तेरी आंखों के सामने तेरा बॉयफ्रेंड किसी और को किस करे और सारी रात तू रो रो कर बस मुझको मिस करे, इफ माय लव वाज ट्रू तो तू देखना तेरे साथ में सब कुछ होगा, ऊपर वाला मुझे भी तो देगा तुझ पर हंसने का एक मौका, डोंट यू थिंक ऑफ कमिंग बैक बिकॉज नाउ आई हेट यू फ्रॉम माय हार्ट, अब स्वाप होने वाले हैं हम दोनों के हालात। तुझे ये सब बोल के बैठ चौथ मुझे क्यों बुरा लग रहा है, क्यों मुझे हर जगह तेरा ही मनोज चेहरा दिख रहा है, मुझे बर्बाद करके भी क्यों तो मेरे दिमाग से नहीं जाती है, क्यों मुझे सुबह शाम बस तेरी याद आती है, क्यों भाई लाइफ में तो नाइस नाइस वाओ वाओ। रातें मेरी बातें तेरी सारी मुलाकातें तेरी, जाने कैसे तुझको मैं बताऊं, कैसे भुलाऊं तुझे दिल से मिटाऊं तुझे, कैसे दिल की आग बुझाऊं। नाइस ब्रो, नाइस यार, वाओ। देखो यार वो लड़के ने पहले पहले रियलिटी बता दिया कि हाँ, क्या होता है, और मैं सबसे पहली बात बता देता हूँ, सब लड़कियां ऐसी नहीं होती है, सब लड़कियां ऐसी नहीं होती है। उसने इसलिए लास्ट में ना पहले उसने अपनी भड़ास निकाला और बाद में बोला कि उसको प्रॉब्लम हो रही है। हाँ ठीक है, तो सब लड़कियां ऐसी नहीं होती। हाँ, और एक्चुअली कैसा है पता है क्या, जो भी पता नहीं था इतनी गाली है, जहां तक ये स्टोरी मैंने देखा ना या इसकी पूरी जो बातें इसने बोली है, ये जो लड़की है ना ये हर लड़की ऐसी नहीं है, बट कुछ कुछ लड़कियां हम खुद देखते हैं कि यार अपने होम टाउन से बाहर गई। हाँ। कि रे बाप उनका रहन सहन चेंज, उनका बहुत कुछ चीजें, मैं बहुत कुछ चीजें नहीं चाहता हूँ बोला, ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, सब ऐसे नहीं होती, बट बहुत मैंने देखा हूं मैं, हम लोग डीजे है यार, हम लोग शोज करते हैं क्लब में देखते हैं हम। हाँ,
हम जब शोज जैसे कॉलेज फेस्ट में हमको बहुत कुछ देखने को मिलता है, हमारे क्लब में जब शोज होते हैं, क्लब नाइट जब होती है पब में, आप पब बोलते रहोगे, तो पब में हमको ऐसा दिखता है सामने, तो ये होम टाउन से जब बाहर जाते हैं ना, तो मुझे लगता है ये सब होता है, यानी कि उनके आंग में क्या एक अलग के ब्रो मैं अभी बाहर आ गई ब्रो, मम्मी पप्पा से दूर है भाई, मम्मी पप्पा ने तेरे को पढ़ाई के लिए भेजेला है और तू इधर लेके मचा रही है भाई, और तुम यार अरे मैंने बहुत देखा है भाई, क्या इधर दिन रात उधर बंदा काम कर रहा है भाई, और तुम इधर क्या कर रहे पता नहीं, कोई नहीं देखो यार, सब ऐसा मत करो, सब लोग ऐसे नहीं। और दिनू जेम्स भाई कड़क गाना लिखा, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा, और मैं सुनना चाहूंगा और बहुत ज्यादा सगड़े ट्रैक, और जितना भी बोला है ना भाई के साथ हुआ है मुझे लगता है, तभी तो डर निकला है, तभी ये दर्द, और लास्ट में जितना भी भाई ने अभी दर्द जो दिखाया है वो भाई के साथ हुआ है तभी, और डीनू जेम्स को गलत मत समझो उसके साथ हुआ है, नॉट सब लोग ऐसे होते हैं, बट हाँ उसके साथ हुआ है ऐसा गलत, इसलिए उसने ये गाना निकाला है, ठीक है ना, तो गाली के लिए थोड़ा सा माफी दे दो, गाली वाली इतना सुन लिया अपन ने, तो कोई बात नहीं, बट ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एडिट किया, अरे बहुत अच्छा ही था, बहुत अच्छा बोला है भाई ने, लिरिक्स का तो बोल ही नहीं सकते, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा उसका पूरा लाइफस्टाइल है, जो सच्चाई हुई है वो पूरा डाल दिया है उसने, ठीक है ना, तो उसके बारे में बोल नहीं सकते, हाँ वीडियो काफी अच्छा था, बहुत अच्छा एडिट किया है, क्रोमा वोमा बहुत अच्छा ये किया है, तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे सपोर्ट करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे जरूर अपन हमको फॉलो करना, बात करते थोड़ा सा, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अगर आपको कोई लगता है डीनू जेम्स का तो जरूर हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, मिलते हैं, तुझे ये सब बोल के बैठ, मुझे क्यों बुरा लग रहा है, क्यों मुझे हर जगह अपनी तरह ही मनुष्य चेहरा दिख रहा है, मुझे बर्बाद करके भी क्यों तो मेरे दिमाग से नहीं जाती है, क्यों मुझे सुबह शाम बस तेरी याद आती है, क्यों